हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, स्पेशली सीटेट एग्जामिनेशंस के लिए। इस वीडियो लेक्चर में सभी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो अक्सर वाइगोत्स्की की थ्योरी से मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, यदि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बने इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही वीडियो के नीचे बने इस शेयर के निशान से इस वीडियो को शेयर करना आप ना भूलें। वीडियो की शुरुआत हम फर्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी निम्न में से वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा सेकेंड, यानी पारस्परिक शिक्षण, जिसे हम इंग्लिश में रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के नेचर की, तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि यूटेट में भी पूछा गया था। यूटेट में क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि निम्नलिखित जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ये किसने दिया था, तो उसका भी आंसर क्या होगा, वाइगोत्स्की ने ही दिया था। अगर मैं बात करूँ इसके फर्स्ट ऑप्शन ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो ये वर्ड रिलेटेड है आपकी स्किनर की थ्योरी से। स्किनर की ये थ्योरी है जिसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। और जो डी ऑप्शन है इनसाइड लर्निंग, हिंदी में जिसे हम अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम बोलते हैं, ये टर्म आपका दिया था गेस्टाल्ट ने। गेस्टाल्ट जो कि एक साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण नाम है, इसकी भी थ्योरी को हम आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब डियर लर्नर्स, ये रेसिप्रोकल टीचिंग होती क्या है? ये एक रेसिप्रोकल टीचिंग जब टीचर और बच्चे के बीच किसी भी बात को लेकर डिस्कशन क्लास में होता है, और वो डिस्कशन काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, जिससे कुछ आउटपुट निकल के आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। ये टीचर और बच्चे के मध्य जो एक अच्छे टॉपिक को लेकर क्लासरूम्स में जो डिस्कशन होता है, ये उसी का एक टाइप है, उसी को हम लोग रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं। एक ऐसा ही दूसरा वर्ड भी वाइगोत्स्की ने दिया था, जिसको हम लोग पी ट्यूटरिंग के नाम से जानते हैं। पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, हम लोग अपने सहपाठियों से सीखते हैं, पीयर्स ग्रुप से सीखते हैं। और रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर और बच्चे के बीच जो संवाद क्लास में होता है, उसे हम लोग रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर सी सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। यानी अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या को समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा, आपको पहले भी बताया था, कोई भी जो हेल्प किसी के द्वारा दी जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग में। अभी स्कैफोल्डिंग के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो लेक्चर में, इससे पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसमें देख सकते हैं। यानी किसी भी को भी, अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की मदद दी जाती है, असिस्टेंट दी जाती है या टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, या हम कह सकते हैं किसी भी बच्चे को अगर कोई भी गाइडेंस दिया जाता है, तो हम उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और ये स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी होती है। एग्जाम्पल के लिए, बच्चे को अगर हमें साइकिल चलाना सिखाना है, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही हेल्प देते हैं, और वो अस्थाई हेल्प होती है, यानी टेम्परेरी हेल्प होती है। हम हमेशा बच्चे को पीछे से पकड़कर नहीं रखते हैं। तो जो ऐसी हेल्प दी जाती है जिससे बच्चा उस चीज़ को पूरा कर लेता है, उस चीज़ को सीख लेता है, उसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, वो होगा आपका स्कैफोल्डिंग। यानी जो पुष्पा को अपने एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में वो उस काम को कर लेती है, तो उस मार्गदर्शन को हम क्या बोलेंगे, सहारा देना या स्कैफोल्डिंग। टेम्प्रेरी हेल्प, गाइडेंस और असिस्टेंट इसके अदर नेम्स हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बच्चा कुछ अपने आप से जो बच्चा कर सकता है किसी काम को, और वो किसी की मदद से उस काम को अगर पूरा कर लेता है, तो जो इन दोनों के बीच का जो एक गैप होता है, उसको हम जानते हैं ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी बच्चा उस विकास को तो कर सकता है, लेकिन उसे किसी वयस्क या किसी बड़े के मार्गदर्शन की उसमें आवश्यकता होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। डियर लर्नर्स, इसका सही आंसर है
फोर्थ यानी अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। लेकिन इसके जो अदर एग्जांपल्स हैं उनमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। लेकिन डियर लर्नर्स, हमने एक चीज़ इस स्कैफोल्डिंग में जानी थी, वो ये जानी थी कि जो स्कैफोल्डिंग होती है वो एक टेम्पररी हेल्प होती है, यानी वो कुछ समय के लिए ही किसी भी बच्चे को दी जाती है। और ये भाषण देना, ये उसको मोटिवेशन की बात यहाँ पे कर रहा है, मोटिवेशन की बात एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ, गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एंड क्रिटिकल जक्चर्स, यानी जो हम नाजुक स्थितियों में हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से और हम उसको थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट देंगे, थोड़ा बहुत उसको क्यूज दिए जाएंगे उस काम को करने के। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर जाएगा, यही सीटेट का भी बेस्ट आंसर था 2016 में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। इसका मैंने आपको कल भी बताया था कि वाइगोत्स्की की थ्योरी का पासवर्ड ही क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। यानी सामाजिक अंतःक्रिया, जहाँ पर भी ये वर्ड आपको दिखेगा वो एक पॉजिटिव आंसर होगा वाइगोत्स्की के क्वेश्चंस के लिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से, यानी जब वो सामाजिक अंतःक्रिया इनके साथ करेंगे, जब वो समाज में जाके वयस्कों से बोलेंगे, उनके साथ वो अपना भाषा विचार करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तब वो अच्छा सीखेंगे, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। ये कुछ आस्पेक्ट मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे जिनमें आपका डेवलपमेंट डिपेंड करता है, बच्चे का डेवलपमेंट, एक तो बच्चे के लैंग्वेज पर, दूसरा बच्चे के कल्चर पर और तीसरा बच्चे के सोशल इंटरेक्शन पर। इस बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में बात हो चुकी है। वाइगोत्स्की एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रोल प्लेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, वाइगोत्स्की की थ्योरी का पासवर्ड ही आप लोग याद रख लीजिए, सामाजिक अंतःक्रिया। जहाँ पर भी आपको ये सामाजिक वर्ड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में देखेगा वो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर की ओर संकेत करेगा। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर फोर। सेवन्थ का ऑप्शन नंबर फोर इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, आनुवंशिकी हेरिडिटी पर कौन बात करते हैं, ये आपका पियाजे कहीं ना कहीं हेरिडिटी फैक्टर पर उन्होंने बात की थी, ये मेरे पहले वीडियो लेक्चर में आपको क्लियरली बताया गया है। और शारीरिक और नैतिक की तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में कोई भी बात नहीं होती है। यही रिपीटेड क्वेश्चन जो थोड़ा घुमा के लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं, क्या करके सीखते हैं, फिर से वही बात, सामाजिक अंतःक्रिया उसका पासवर्ड है। ये जो ये सामाजिक अंतःक्रिया जो मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जहाँ पर भी ये वर्ड सामाजिक अंतःक्रिया आएगा वही वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड आंसर होगा किसी भी क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। डियर लर्नर्स, वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की थ्योरी इम्प्लाइज, यानी वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है वो किस बात पर अधिक बल देती है। इसका सही आंसर होगा डियर लर्नर्स ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अभी ऑप्शन नंबर ए आंसर क्यों होगा, इसमें जो अदर ऑप्शंस दिए हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकारी देना, जो व्यक्तिगत की बात वाइगोत्स्की ने नहीं की है, वाइगोत्स्की ने बात की है व्यक्तिगत को छोड़ के सामाजिक की, यानी व्यक्ति अगर जितना सामाजिक होगा उतना वाइगोत्स्की ने उसको एम्फेसाइज किया है। प्राइवेटनेस पे वाइगोत्स्की ने काम नहीं किया है, सोशलाइजेशन पे किया है, वो चाहता है कि व्यक्ति व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक बने, ऐसे वाइगोत्स्की की थ्योरी हमें बताती है। दूसरा, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करना, ये भी आपका प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता करना। कठिन सवाल, यहाँ पर जो वर्ड आया है ये एक नेगेटिव हमें दिखा रहा है, कठिन सवाल जहाँ पर भी सवाल की बात सीटेट एग्जामिनेशन में होगी वो एक नेगेटिव आस्पेक्ट होगा क्वेश्चन का। दूसरी बात, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धान उनके बुद्धि लब्धान से कम होता है।
सीटेट में किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर कंपेयर आपको ऑप्शंस में दिखाया होगा तो वो ऑप्शंस हमेशा नेगेटिव होगा, वो कभी भी उस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका ए यानी कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सही उत्तर होगा। कोलैबोरेटिव का मतलब कोलैबोरेशन के साथ, जब अगर व्यक्ति या बच्चा अगर सोशल होगा तभी वो लोगों के साथ या अपने पीयर्स के साथ अपने सहपाठियों के साथ कोलैबोरेशन करना सीखेगा, किसी भी काम को ग्रुप में करना वो बच्चा सीखेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं तो इसे कहा जाता है। अगर आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे तो व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट टू द असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट द प्रोग्रेशन। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो स्कैफोल्डिंग है उसी के अदर नेम्स क्या क्या हैं, गाइडेंस, असिस्टेंस या टेम्प्रेरी हेल्प। तो जो यहाँ पे असिस्टेंट वर्ड आया है इसके अनुसार जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द असिस्टेंट दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड। यानी वो असिस्टेंट जो किसी भी एडल्ट के द्वारा किसी चाइल्ड को दी जाती है उसके करंट लेवल परफॉर्मेंस को उसके पोटेंशियल लेवल के परफॉर्मेंस तक पहुंचाने तक, तो उसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। यानी असिस्ट करना बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देना और बच्चे को एक टेम्प्रेरी हेल्प देना ताकि वो अपने एम तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू लेव वायगोस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण वायगोस्की के अनुसार क्या है। फिर से वही, जहाँ पर भी आपको सामाजिक क्रिया दिखाई दे, जहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया वर्ड आपको दिखाई दे, इन दोनों में से एक भी वर्ड अगर आपको दिखाई देता है और क्वेश्चन अगर लेव वायगोस्की का होता है तो वही उसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। फिर से अगर मैं रिवाइज करूँ, जो वायगोस्की थे उन्होंने डेवलपमेंट बताया है बच्चे का 3 आस्पेक्ट पे, एक तो लैंग्वेज पे, दूसरा कल्चर पे और तीसरा सोशल इंटरेक्शन पे। डियर लर्नर्स, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर एमसीक्यूज को जो कि वायगोस्की और पियाजेट दोनों से संबंधित होंगे और मिक्स्ड एमसीक्यूज होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे जब भी देख रहे हैं आप इसके नीचे बने शेयर के निशान से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू लर्नर्स।